वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस हो सके तो लाइक जोर से कर देना एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल और कुछ जोर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए हेलो गाइस, आज है पाल वर्ल्ड का दूसरा दिन ठीक है एंड इतना अंधेरा है इस जगह में जैसे कि देख पड़ो गैस फिलहाल अंधेरा जगह है एंड इस दुनिया में आज है दूसरा दिन आज हम लोग बहुत कुछ करने वाला है पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी भाइयों से बताया था कि ये ग्रीन कलर का चीज़ क्या है आज इसी वाले ग्रीन कलर के चीज़ को मैं उठाऊंगा पर उठाने से पहले गाइस फटाक से ये चीज़ कर लेता हूँ अभी सुबह होने वाला है यहाँ से मैं पेल्डियम फ्रेगमेंट इकट्ठा कर लेता हूँ ठीक है ये जो पालडियम फ्रेगमेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यार चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ठीक है थीके? इंडिया में इस गेम को पॉपुलर करना पड़ेगा ब्रो ये गेम ना मैं बता रहा हूँ गैस आने वाले समय का ये बेस गेम रहेगा आने वाले समय का डेफिनेटली ये बेस गेम रहेगा क्योंकि गैस इस गेम में आप लोग खुद ही सोचो कल कुछ भाई मेरे को बोल रहे थे कि दिस इज अ वेरी डर्टी गेम फिर एक भाई ने एक रिटर्न कमेंट भी किया वो चीज़ मेरे को देख करके काफी अच्छा लगा यार बोल्ट आर्मी आई लव यू यार जितने लोग मेरे को सपोर्ट करो ना दिल से थैंक यू एंड जितने लोग मेरे को सपोर्ट ही भी कर रहे हो यार पहले भाई लोग गेम को देखो एंड फिर आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ा बहुत एक दो दिन देख लो क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा गेम है ठीक है एनी वेज चलो ये पिक करके देखता हूं एंड आने वाले समय में ये डेफिनेटली एक बेस्ट गेम होने वाला है एंड क्यों बेस्ट होने वाला है क्योंकि गाइज ये आर्क और पोकीमोन का मिक्सर है गाइज इस गेम में हम लोग पोकीमानो को पकड़ने के लिए आई I मीन mean, पाल्स को पकड़ने के लिए आ, एरोस का भी यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? बहुत कुछ कर सकते हैं यार ये गेम हमें बहुत कुछ ऑफर करता है एंड पालडियम फ्रेगमेंस मिला एंड और एक चीज़ गैस अभी जो मुझे जो चीज़ मिला था ये चीज़ आखिर है क्या ये नहीं ब्रो ये ग्रीन कलर का चीज़ आखिर है क्या ये ये वाला क्या है ए मिस्ट्रियस पाल स्टैचू डेथ कैन बी फाउंड ऑल अराउंड पल्पागोस आइलैंड तो इस आइलैंड का नाम है पल्पागोस आइलैंड प्लेयर्स कैन एनहेंस डेयर एबिलिटी बाई मेकिंग ऑफरिंग टू अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या मतलब अगर इस स्टैचू को मैं अपने घर के पास लगाऊंगा फिर अगर कुछ मांगूंगा तो शायद से ये स्टेचू मेरे को देगा एंड चलो कमान देते हैं कमान अटैक करो ख़त्म करो इसको खत्म करो क्या कर रहे हो यार ओ इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो तुम ओके अब तो ख़त्म करोगे ना गाइज़ ये मेरा कमान डायरेक्टली मैं इसको यार ये कमान नहीं दे सकता हूँ कि डायरेक्टली अटैक करो ठीक है ओके अब अटैक कर रहे हैं जैसे कि मैं डेक पाना आप अटैक कर रहे होके ग अरे रे वन शॉट बोल लिया यार गाइज मेरा डे काफ़ी स्ट्रांग है यार सीरियसली बता रहे मेरा डे ड्रीम काफ़ी स्ट्रॉग होते ही जा रहा है एंड सिर्फ डे ड्रीम ही नहीं गैस मेरे सारे के सारे ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे अभी पाल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहे हैं एंड आज मैं खतरनाक वाले पाल को डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ एक अलग जगह में जाने वाला हूँ ठीक है डेफिनेटली अलग जगह में जाएंगे ए, इस जगह में जितने भी पाल्स हैं उन लोगों के साथ तो मैंने यार बैटल कर ही लिया ठीक है बैटल नहीं करा है एक मिनट गैस इन दोनों के साथ लड़ेंगे अभी अब इन दोनों के साथ लड़ेंगे इन दोनों को ही मैंने मारा ओके ये तो क्या आप लोग बहुत बढ़िया अब दूसरे को भी मार दूसरे को भी मार ये लेवल सेवन का होकर है एंड इसका अटैक मेरे को फॉलो क्यों कर रहा है यार ओके खत्म कर डे ड्रीम कमान इसको खत्म कर किसका एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल उइ मेरे ऊपर ये एनर्जी बीम लग रहा है यार एंड ये होक रेट ना काफ़ी स्ट्रांग है ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है गैस ये आउल जैसा पाल ये मेरे पास भी है सीरियसली काफ़ी स्ट्रांग है ठीक है बट डे ड्रीम ज़्यादा पावरफुल है आई थिंक एंड दोनों ही डार्क टाइप के हैं गैस दोनों ही डार्क टाइप के हैं ओके ये तो खत्म हो चुका है ऐसे इन लोग का यार बॉडी जैसे कि देख पान होगा जिस लुढक लुड़क के ऐसे यार गिर जाता है आँख जब पोकेमन फेंट होता है तो पोकेमनों का आंख भी ऐसा ही हो जाता है गाइस तो इन लोग का भी आँख ऐसा ही हो जाता है फेंटिंग में पर इसको और ख़त्म नहीं कर सकता हूँ चलो पेलडियम फ्रेगमेंट ले लेता हूँ एंड अभी दोपहर के टाइम में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा जितना हो सके मैं चीज़ें को करने वाला हूँ ठीक है एंड हाँ गाइस मेरा कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा है तो अब क्या बनाऊँ गाइस मुझे लग रहा है मुझे स्टेमिना पे ध्यान देना चाहिए ठीक है एंड टेक्नोलॉजी पर भी कुछ खोल सकते हैं तो देखते हैं क्या खोल सकते हैं कमोनशील चलो इसको खोल लेते हैं कॉमन कमोनशील को एंड पाल गियर पाल गियर वर्क बैंड तो इसमें क्या कर सकते हैं आई विल टेल यू ठीक है एक बार बना करके दिखाऊंगा स्टेच्यू ऑफ पावर मेक ऑफरिंग टू अच्छा तो ऑफराइंगे भी खोल लेते हैं ठीक है बाकी हम लोग चीजों को बाद में ढीर ढेर करके खोलते रहेंगे ओके लेट्स गो गाइस मुझे मिल चुका है कल ना मैं इसी के साथ पंगा लिया था ये ना एकदम मैग्नियम मैगेनियम की तरह है गाइस ये कांटोरिजन कांटो का था या जोटो जोटो तो रीजन में ये चिक्कोरिटा का एकदम थर्टी वॉल्यूशन जैसा ही दिखता है ना मैग्नेलियम बट ऊपर में है इसका फुल एंड मैग्नेलियम का पीछे की तरफ था तो एक काम करते हैं चलो गैस मुझे डर भी लग रहा है अगर मैं बोलूंगा इसको अटैक करने के लिए क्या ये अटैक करेगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एरोज भी नहीं है ना मेरे पास ओके मैंने मारा आप गैस देखते हैं आप गैस देखते हैं इन दोनों के बीच अभी बैटल होने वाला है ओके देखते हैं गैस इस बैटल में क्या होगा क्या नहीं उ गैस ये तो काफ़ी फास्ट और तरीके से जा रहा है मुझे अपने पाल को बचाना पड़ेगा उड़ी गैस मेरा पाल ऑलमोस्ट मरने वाला था ओए यार गाइस नहीं इसके साथ कोई भी पंगा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया डैमेज दे रहा है जैसे तो कि मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी बढ़िया डैमेज दे रहा है यार ये इतना स्ट्रांग कैसे उस ओ उस ये मेरे को ही फॉलो कर रहा है एंड मुझे भागना पड़ेगा गाइस ये मेरे को मार डालेगा फॉर श्योर गाइस ये मेरे को मार डालेगा ये मेरे पीछे ही है ना गाइस मैं तो क्या गाइस मैं क्या ये मेरे बिल्कुल ही पीछे है आई डोंट नो इसको मैं कैसे रोक पाऊंगा शायद से ये पत्थर ही मेरे को बचा सो नो नो चडे ये अभी भी मेरे पीछे है क्या नहीं अभी तो मेरे पीछे है नहीं ये किसी और के साथ पंगा ले रहे हैं अभी वैसे गाइज मैं घर में तो पहुंच ही गया हूँ ओह शुक्र है मैं घर में पहुंच गया हूँ यार मेरे पाल इतने भी स्ट्रांग नहीं बने हैं कि इसके साथ पंगा करें ठीक है यार मुझे अपने पालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा बिल्ड अप योर बेस अंटिल इट्स लेवल सेवन हाँ गाइस आज, आज मुझे ये सब चीज़ें भी करना पड़ेगा एंड चैलेंज द बॉस एट राइनी सिंडिकेट टावर ये राइनी सिंडिकेट टावर ये कहाँ पर है ब्रो एंड मुझे काफ़ी भूख भी लग रहा है डू आई हैव एनीथिंग टू ईट ये ब्रेड है चलो ये ब्रेड का टुकड़ा ही मैं खा लेता हूँ ओके एंड यहाँ पर जाते हैं नहीं गाइस अभी बेस लेवल थ्री का है तो बिल स्ट्रो मुझे तीन ऐसे बेड को बनाना पड़ेगा फिर मेरा बेस लेवल फोर का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि देख पर यहाँ पर सिर्फ दो ही है यहाँ पर मेरे तीन वर्कर्स है तो डेफिनेटली गाइस इन लोग के लिए अरे क्या बार बार ये क्यूब प्रेस कर देता हूँ इन लोगों के लिए मुझे ये और एक बेड तो बिछाना पड़ेगा राइट तो गाइस इन तीनों का बेड मैं ऐसा लगा दूंगा तुम लोग इस पर काम करो इस पर क्या करो एंड ये देखो गाइस यहाँ पे ना यार मॉन्स्टर्स कैम भी करते हैं यार मैं भी खुद भी बना सकता हूँ मैं इन लोग का हेल्प भी कर सकता हूँ बट ये लोग भी मेरे हेल्प कर रहे हैं इसी के साथ गाइस ये बन नहीं वाला है बन गया बन गया जैसे कि देख पा रहे हो ये बन चुका है ठीक है अब मेरा लेवल फोर का हो चुका है अब मेरे पास अभी कौन कौन से मिशंस आ गए हैं चलो फटाक से वो भी देख लेता हूँ ठीक है क्योंकि मिशंस को कंप्लीट करने पे ही अपना बेस भी अपग्रेड होता है तो जैसे कि देख पा रहे हो मैक्स पाल्स वर्किंग एट बेस ओके अच्छा अच्छा मैं अभी अपग्रेड कर पाऊंगा राइट तो चलो अपग्रेड कर लेता हूँ लेवल फोर का हो चुका है बेस बेस को तो मैंने अपग्रेड कर लिया एंड कल क्या हुआ था गाइस कल मैंने ना क्या किया था कल मैंने लास्ट में एक मैग्नियम जैसे अभी जस्ट मैंने जिसके साथ पंगा किया था उसके जैसे दिखने वाले के साथ पंगा किया था एंड एंड में मैंने उसको पकड़ लिया था फिर वो मेरे यहाँ पे क्यों नहीं है है ना क्योंकि वो इधर आ गया है, वो ट्रांसफर होकर के इधर आ गया ये रहा ये देख रहे हो अब गैस मैं एक काम करूंगा यहाँ पे मैं वोलू को ही काम पे लगा देता हूँ क्योंकि वोलोज आर वेरी गुड फॉर वलूज तो नहीं इसका लैम बॉल है एंड इसको इधर रखेंगे गैस ये लेवल सेवन का है एंड ये काफी बढ़िया है ठीक है तो चलो गाइस दिखाता हूँ ओके आ जा बड़ी देख रहे हो ये कितना बढ़िया है एंड इसका एबिलिटी लॉक क्यों है एंड टू कहाँ पे जा रहा है ये कुछ कर सकता है क्या एंड ये फूट फूट ये फूट ओ एक मिनट कैसे ये देख रहे हो ये तो ओ कैसे ये सीड प्लान कर सकते अरे गाइस ये प्लांटेशन में हेल्प कर सकता है एंड ये प्लांटेशन में क्यों हेल्प कर सकता है क्योंकि गाइस ये ग्रास टाइप पालमोन है गाइस इस गेम को मैं एक सैल्यूट देना चाहूँगा सीरियसली बता रहे यार मुझे यार खुद से बैरीज भी नहीं कलेक्ट करना पड़ रहा ये लोग खुद से बैरीज भी कलेक्ट कर रहे हैं वाह मिशन कंप्लीट पालबॉक्स अपग्रेड अवेलेबल ठीक है अब मुझे और कौन से मिशन करने पड़ेंगे वो भी फटाक से देख लेता हूँ और डायरेक्ट वो गाइस लेवल फाइव का आ चुका है यार अब बिल्ड पाल गियर बॉक्स बेंस बिल्ड स्टैचू ऑफ पावर अब ये दोनों चीज़ें करना पड़ेगा ठीक है मैं चीज़ें कर लूंगा मैं डेफिनेटली चीज़ें करने वाला हूँ तो यस अरे बार बार फिर से ये क्यूब प्रेस कर देता हूँ मैं मैं ओके यहाँ पर जाते हैं ये बनाना पड़ेगा पाल ओ इसके लिए मुझे वूड और क्लोथ चाहिए तो मुझे वूलूस को मारना पड़ेगा डैट मीनस अरे गाइस ये मेरे लिए गाइस मैंने बोला था ना मैंने आप लोगों को क्या बोला था मुझे एक चाहिए ऐसा एक पाल जो मेरे लिए वुड्स कलेक्ट करके दे एंड ये मेरे लिए आराम से वुड्स कलेक्ट कर रहा है ब्रो भाई चलो साथ में कलेक्ट करते हैं ना ब्रो साथ में कलेक्ट करते हैं एक मिनट के मुझे ले लेना पड़ेगा फटाक से इस चीज़ को मेरे पास एक्स था ना ये रहा यार एक्स कहाँ पे है एक्स ओके चलो मैं अभी कलेक्ट करता हूँ इसको अभी कलेक्ट करने के लिए देता हूँ एंड ये लोग उच्च लेकर के कहाँ पे जाने गए जैसे कि देख ये पड़ोसू का टीम ना उच्च कलेक्ट करके कहीं पे लेके जा रहा अच्छा, इन्वेंट्री फुल ना हो इसलिए ये लोग कलेक्ट करके अपने इन्वेंट्री में दार आ रहे यार गाइस सीरियसली बता रहे मेरा तो यार अभी मन ही शांति से फूल गया यार एंड इन लोगों ने मेरे लिए ढेर सारी चीजें भी कलेक्ट करे फाइबर भी कलेक्ट करा यार एंड क्या गाइज मैं क्लोथ फाइबर से भी बना सकता हूँ आई विल सी ओके I will see. यहां पे देखना पड़ेगा अरे बाप रे उड़ अच्छा ये। ये तो वूल। चाहिए चाहिए चलो मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वोल्ड बना लेना चाहिए फटा से आई I मीन mean, क्लोथ बना लेना चाहिए तो मैं क्लोथ बना रहा हूँ इन लोग का अपना काम करने देता हूँ अब मैं आराम से एक मिनट इसको फिर से दबा दिया अब आराम से शायद से नहीं क्लोथ दो क्लोथ है चाहिए मेरे को ओके अब आराम से बना पाएंगे ओके अब आराम से इसको बना पाएंगे एंड ये पाल गियर बेंस भी मैं एक मिनट ये पाल गियर बेंस में इधर लगाना चाहूंगा अब गाइस ये बनने के बाद मैं पाल मोनो को पाल मोनो को वेपन्स दे सकता हूँ सही में बता बताने गाइज उलू के हाथ में कोई गन दे सकता हूँ या फिर अपने कैटिवा के हाथ में कुछ कुछ वेपन्स दे सकता हूँ ओके कंप्लीटेड हो चुका है अब फटाक से यहाँ पे देखते हैं रेसिपीज तो कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक अपने पालस काफ़ी काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे जैसे कि देखिए बिल स्टेचू ऑफ पावर अब मुझे स्टैचू ऑफ़ पावर भी बनाना पड़ेगा एंड फिर से मैंने क्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे जाते हैं स्टैचू ऑफ पावर ओके ये बनाना पड़ेगा तो स्टैचू ऑफ पावर अच्छा गाइस ये वाला जो पोखीमान अभी सॉरी फिर से पोकीमान निकल गया यार ये वाला जो है ना गाइस ये वाला ये अनुबीस का स्टेचू है ठीक है एंड इसको मैं बहुत जल्द पकड़ने वाला हूँ तो स्टेचू ऑफ पावर मैं अपने घर के अंदर ही डेफिनेटली बनाना चाहूंगा तो स्टेच्यू ऑफ पावर आई थिंक मुझे इधर ही बना लेना चाहिए गाइस मैंने स्टेच्यू ऑफ पावर बना लिया आप लोग देखिएगा ठीक है जब अनूबिस को पकड़ लेंगे तब तो बहुत बढ़िया लग जाएगा यार एंड मुझे यार जल्दी से चीजें डेफिनेटली करना पड़ेगा आज तो थर्टी पालों को पकड़ना पड़ेगा आज मैं बहुत सारे पालमो को पकड़ने वाला हूँ आई एम टेलिंग यू गाइस एंड वाटर डाल देते हैं चलो वाटर डालने के लिए एक वाटर टाइप पाल को भी पकड़ लेना पड़ेगा यार अगर कोई वाटर टाइप पाल मेरे पास होगा फिर मजा आ जाएगा क्यों मजा आ जाएगा क्योंकि गाइस वो लोग ही एक ग्रास टाइप करेगा मेरा खेती का, का काम एक वाटर टाइप करेगा यार पानी का काम मतलब पानी डालने में वो हेल्प करेगा ठीक है तो यार इन वन वर्ड मैं आराम से इस गेम में एंजॉय कर पाऊंगा फिर डन डन एकदम डन दन, डन दन। डन अब गाइस यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है मिशन कंप्लीट पाल बॉक्स अपग्रेड इज अवेलेबल लेट्स गो गाइस लेट्स गो अब फिर से मैं इसको अपग्रेड कर पाऊंगा लेवल सिक्स में तो आ ही चुके बिल्ट लॉगिंग साइट बिल्ड स्टोन पिट एंड बिल्ड क्रशर ये क्या चीज है क्रशर ये क्या चीज है डोंट नो। बट मैं अभी अपने बेस पे और एक पाल को काम करने के लिए और दो पाल को मैं काम करने के लिए लगा पाऊंगा तो कौन से पाल को मुझे काम करने के लिए लगाना चाहिए इसको ही काम करने के लिए लगा देता हूँ और हाँ गाइस एक काम करते हैं ये मुर्गी मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा इसमें शायद से रेंच में हेल्प करेगा ऊट चाहिए मेरे को फटाक से यहाँ इन लोगों ने शायद से मेरे लिए बहुत सारे ऊट कलेक्ट कर लिया है जैसे कि देख पा रहा हूँ अरे गाइस बहुत सारे बहुत सारे ऊट कलेक्ट कर लिया यार और रे गाइस अब आराम से यहाँ पे मैं रेंस भी बना पाऊंगा फिर से गाइस फिर से मैंने क्यों दबा दिया ना ये रेंच बनाने के बाद डेफिनेटली वो मुर्गी इधर काम करेगा ठीक है और ये रेंच के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन फॉर माई रेंस ओके तुम लोग इस पर काम करो पहले इस पर काम करो इसको बनाओ इसको बनाओ मैं भी काम कर देता हूँ चलो मैं भी इन लोग को हेल्प कर देता हूँ बट तुम लोग भी आओ, हाँ सारे लोग मिल करके बनाएंगे तभी कुछ हो सकता है यस कुछ, अरे तू जल क्या यार ओ यू ओई उन्ेंशन मतलब तेरे को बचाना पड़ेगा बट तू जला कैसे दोस्त तू जला कैसे अब मैं तेरे को छो कैसे करूँगा ओके ठीक हो गया जी ओके चल कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले एंड बनाते हैं चलो फाइनली गाइस मेरा रेंज भी रेडी हो चुका है अब ये मुर्गी इधर काम करेगा फॉर श्योर गाइस ये मुर्गी इधर काम करेगा एंड इस रेंज में मैं क्या कर सकता हूँ गाइस मुझे फिर से भूख लग रहा है एक मिनट गैस मुझे काफ़ी भूख लग रहा है एक्चुअली मैं मर जाऊँगा भूख मार के चक्कर में मुझे मरना नहीं है तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पर एक रेसिपी बना लेना चाहिए यही बना लेते हैं ठीक है मास प्रोडक्शन करेंगे चलो फटाक से बना लेते हैं अब फटाक से ये बेरीज में खा लेता हूँ एक मिनट खाना पड़ेगा ब्रो ओके okay, अब मेरा पेट मीटर फुल हो चुका है एंड गाइज मैं यहाँ पे मटन का कुछ चीज़ नहीं बना सकता हूँ क्या एक मिनट एक मिनट ओ एक मिनट इसको रिपेयर करना पड़ेगा क्या ओ नहीं नहीं ये टूटा ठो ना है ओके 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 डन 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 एकदम डन चीज़ें मैंने कलेक्ट कर लिया है एंड तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो ए मुर्गी भी इधर कुछ कर रहा है यार पता नहीं गैस ये मुर्गी इधर क्या कर रहा है पर ये लोग भी ग्रेजिंग ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है गाइस अंडे वंडे देना क्या वट इज दिस Yes, मेरे को वुल भी खाई एक मिनट ये इस रेंज में यार या 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 वलूज मेरे को वुल वुल भी देंगे यार क्या मजाक कर रहे हो यार ब्रो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो सीरियसली बहुत बढ़िया चीज़ है एंड एक मिनट यार मैं अब क्या कर सकता हूँ कुछ लेटेस्ट चीज़ में कर सकता हूँ ना फर्नीचर फर्नीचर का काम मुझे डेफिनेटली करना चाहिए चलो ये वुडन चेयर अपने घर पे लगा लेता हूँ पता नहीं कैसे वुडन चेयर से मैं क्या कर सकता हूँ बट स्टिल बना लेता हूँ ठीक है कुर्सी को कहाँ पर लगाएंगे ब्रो कुर्सी को ना इधर पर ही कहीं पर लगा देते हैं यार ओके okay, मैंने कुर्सी लगा दिया है चलो मैं ही बना लेता हूँ कुर्सी को ओके okay, ये लोग भी आएंगे डेफिनेटली मेरे को हेल्प करने के लिए ये आ ही रहा था बट हो गया दोस्त तो चल सकता है ठीक है इंधर मैं बैठ बैठ सकता हूँ क्या नहीं और क्या कर सकते हैं एक मिनट राउंड टेबल वाउंड टेबल मैं सब कुछ बना सकता हूँ ठीक है एंड हैंगिंग ट्रैप ये भी मुझे बना ही लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इस हैंगिंग ट्रैप को बनाने के बाद क्या कर सकते हैं पता है मतलब क्या होगा पता है अगर कोई आसपास कोई अगर पाल एक मिनट गुजरेगा तो वो पालना अटक जाएगा इस हैंगिंग ट्रैप में एंड ये स्टेच्यू मुझे क्या दे सकता है वो भी मैं देखने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैंगिंग ट्रैप मुझे बना लेना पड़ेगा एक चीज बना लेते हैं एंड इस चीज को मैं इधर ही डेफिनेटली लगाना चाहूंगा अब देखते हैं गाइस इधर से कैसे पास्ट होंगे ठीक है यहाँ पे कुछ करना वरना पड़ेगा क्या करना तो कुछ भी नहीं है और जैसे ही इधर से कोई गुजरेगा वो जैसे ही इधर से कोई गुजरेगा डेफिनेटली गाइस ये काम में आ जाएगा ठीक है तू इधर से मत गुजर ठीक है लेट्स गो बड़ी लेट्स गो एंड मैं कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें खोल पाऊंगा मे बी यस अब उन सब चीजों में मुझे काम करना पड़ेगा अलार्म बेल अभी नहीं करेंगे uh, मुझे लॉगिंग ओके okay. तो ये स्टोन पे ओ स्टोन पीट अभी मैं बना नहीं पाऊंगा जैसे कि देख पा रहे हो स्टोन पीट तो मैं अभी बना नहीं पाऊंगा चलो गाइस एक स्ट्रॉन्ग पाल को पकड़ने के लिए जाते हैं नीचे चलते हैं चलो ओके okay. एक अलग ही एरिया में जाने वाला हूँ ठीक है ओ नो गाइस मैं गया ई ही गाइस

एंड बोटानिकल स्मैश, डायनोसोम एक्सक्लूसिव स्किल यूज लार्ज स्टेल टू स्मैश द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ इट डैमेजिंग एनिमीज ओवर ए वाइड एरिया अच्छा गाइज इसका जो सेकेंड एबिलिटी है और बिकॉज मैंने एक ड्रैगन टाइप को अभी पकड़ ही लिया एंड वो भी ग्रास ड्रैगन बहुत बड़ी इसलिए वो इतना शक्तिशाली है एंड गाइज इसका जो दूसरा अटैक है जैसे कि देख पा रहे हो इससे ना एरिया डैमेज दे सकते हैं ड्रैगन बर्ड ये तो ड्रैगन टाइप है ब्रो डेफिनेटली मजा आएगा एंड इसके ऊपर मैं सैडल पहना सकता हूँ डेथ मीन्स मैं इसके ऊपर राइड ले पाऊँगा ठीक है एंड यहाँ पर जैसे कि देख पा रहा हूँ मेमोरीज़ ये काफ़ी स्ट्रांग है इसके साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है ठीक है इसके साथ पंगा लेंगे तो मुझे मरना है थर्टी फोर लेवल का है ब्रो थर्टी फोर लेवल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हीयर ठीक है एंड गाइस मैं इधर बहुत पकड़ पकड़ चुका हूँ चलो पोकेमान ही बोलते हैं यार बार बार पुखेमन पुखेमन ही क्यों निकल रहे हैं इधर मैं बहुत सारे पाल को पकड़ चुका हूँ अब मुझे किसी और जगह में जाना पड़ेगा ठीक है और जगह से और भी पाल्स को पकड़ेंगे ना ब्रो और अलग अलग प्रकार के पाल्स हैं जैसे कि डेग पारू गाइस मुझे ये चाहिए फॉक्स पर्क मेरे को डेफिनेटली चाहिए एंड क्यों चाहिए मैं आप लोगों को बताऊंगा एक मिनट क्योंकि ये एक फायर टाइप पाल है डेफिनेटली मजा आने वाला है अभी लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस रात हो चुका है एंड गैस मुझे घुमूस मिल चुका है इसी वाले यार पाल को कल मैं पकड़ नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास पाल स्पेयर नहीं था बट आज घुमूस तेरा हो जाएगा धुमूस धुमुस अरे खत्म मत कर खत्म मत कर गैस ये खत्म करने वाला था चलो इसको पकड़ लेते ये ले तू भी आ जा अरे इसको पकड़ के इसके ऊपर फेंक क्यों नहीं पा रहा एक को तो मैंने पकड़ लिया अरे फेंक दे ओके फेंक दिया ओके फेंक दिया।, दिया क्या ये भी आएगा गैस दो दो गुमूस मेरे पास आ जाएगा फिर ओके डन गाइज डन वैसे गैज मैं इधर गुमुस को पकड़ने के लिए नहीं मैं इधर मेनली आया था एक मिनट पाल स्पियर मिला, ए, मैं मेनली आया था गैस इस फॉक्स पर्क को पकड़ने के लिए क्योंकि ये जो फॉक्स पर्क है ना ब्रो ये बहुत ही बढ़िया है एंड ये सो रहा है अरे गैज सो रहा अवस्था में मैं इसको डायरेक्टली पकड़ सकता हूँ क्या देखते हैं क्योंकि ये सो रहा था ना अभी नहीं डेफिनेटली गैज आप बहुत ये वेरी नाइस गाइस दोनों के बीच बहुत बढ़िया बेटल हो रहा है guys, ये फायर टाइप है एंड गाइस ये ग्रास टाइप है तो फायर इज वेरी मच इफेक्टिव ठीक है नहीं 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 तू मर जाएगा तू मर जाएगा यार गाइस ये मरने ही वाला था चल आ गाइस जा, आ जा, आ जा 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 जा, ये आएगा डेफिनेटली गाइस ये आएगा डेफिनेटली गाइस ये आएगा हंड्रेड परसेंट एंड डन गाइस मैंने एक फायर टाइप पाल को भी पकड़ लिया है आप गाइज चलो देखते हैं मेरे टीम में फिलहाल कौन कौन है वो देखते हैं चलो मेरे टीम में फिलहाल ओ गाइस बाकी के यार जो मेरे बस पाल मैंने अभी पकड़े थे ना ब्रो तो वो पाल ना मेरे यार वहाँ पे चले गए घर में चले गए एनी वज गैट टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेड कर पाऊंगा शायद ए फॉक्सपर्क हार्नेस हार्नेस फॉर होल्डिंग्स फॉक्सपर्क वो अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने अभी फॉक्सपर्क को पकड़ा है ना इस हार्नेस को मैं बना सकता हूँ एंड जैसे कि डेक बड़ा एक्टिव इट्स पार्टनर स्किल टू होल्ड फॉक्सपर्क एंड अटैक यूजिंग इट्स ए फ्लेम ट्र तो इसको मैं अपने गोडी में उठा करके ये बनाने के बाद यार मैं फायर पावर चला पाऊंगा इसलिए गैज मैंने फॉक्स पर्क को पकड़ा था ठीक है एंड ये देख रहे हो मेमोरीज इसके साथ भी मैं डेफिनेटली पंगाल करूँगा डेफिनेटली थर्टी एट लेवल का है ब्रो किंग ऑफ द फॉरेस्ट है नहीं गाइज ये कुछ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्या गाइज ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यार सीरियसली बता रहे हैं गाइज दिस मेमोरीज इज़ वेरी बिग एंड वो देख रहे हो वो स्टैचू वो फास्ट एवेल का स्टैचू है ठीक है गैज एक महीने वो क्या है गैज यहाँ पे मुझे अलग भी कुछ ये क्या है एक महीने उसके बारे में मैं जानूंगा बट पहले मैं यहाँ पे फास्ट ट्रेवल का ये अनलॉक कर लेता हूँ ठीक है तू आ जा दोस्त आजा, 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 गाइस एक मिनट ये देख रहे हो ना ये देख रहे हो ना इन वहाँ पे कुछ अलग भी ये है क्या वट इज दिस वट इज दिस लेवल पता नहीं कैसे इसका लेवल कितना है बट इसके साथ मुझे पंगा लेना है बहुत बढ़िया अरे तू आ जा वापस आ जा एंड तू अब मेरे बॉल में आने वाला है लेवल नाइन का था

पोकीमान यार एक्स की तरह लग रहा है चलो यार नहीं देखेंगे बस फाइट करेंगे वेरी नाइस वेरी नाइस खत्म हो जाएगा ये बडी ये खत्म khat, हो जाएगा ओके okay, आ जा देखते हैं देखते हैं देखते हैं नहीं पकड़ पाए यह भाग रहे मैंने फिर से फेंका प्लीज इस बार तो आ जा दोस्त नहीं आएगा क्या नहीं आया मुझे फिर से अगर मैं फिर से अगर इसको निकाल दूंगा ना ब्रो ये मर जाएगा ठीक है फिर से फेंकेंगे फिर से आप फेंकेंगे ये ले यार इतना डैमेज दिया मैंने इसको मैं भी शायद से मैं इसको मेरे को कितना डैमेज दिया इसने ओके ये मर गया ना ब्रो मैंने इसलिए तो बोला था यार इसलिए तो बोला था यार पंगा मत ले मत ले बट फिर भी इसने मेरे साथ पंगा ले लिया एंड मेरा हेल्थ ना काफ़ी ख़राब हो चुका है तो मुझे यार फटाक से घर में जाना चाहिए एंड फिर इस वाले लोकेशन में फिर से आ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने यार फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर दिया तो इस लोकेशन में मैं दोबारा से आ पाऊँगा इतना कोई टेंशन वाला बात अभी होगा नहीं ठीक है लेट्स गो लेट्स गो फास्ट ट्रेवल अब मैं जाने वाला अपने घर वाले डायरेक्ट घर में ही जा सकते ओह अच्छा मैं गाइस डायरेक्ट घर पे भी जा सकता हूँ यार ओ वेरी नाइस nice. अब एक काम करते हैं फटाख से मुझे थोड़ा सा खाना खा लेना पड़ेगा खाना को खा लेंगे बट खाना खाने से पहले और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे गुमूस को एक गुमूस को इधर काम पे लगा दूंगा आधा गुमूस तो इधर काम कर ले ओके गुमूस को मैंने काम के लगा दिया एंड एक फॉक्स पर्क को लेना पड़ेगा इधर ठीक है एंड ये जो है गैस मेल पाका इसका टाइप वाइब क्या है वो भी देख लूँगा पर इसको शायद से मेरे पास दो दो डार्क है मुझे दो डार्क नहीं चाहिए अरे आई शुड गो विथ यस हु क्रेट्स को रख दो क्या हु क्रेट्स को रख दो कि डे ड्रीम को रख दो मुझे लग रहा है हु क्रेट्स को रखना चाहिए तो ये है मेरा फिलहाल टीम ठीक है कैटिवा स्ट्रॉन्ग इसलिए कैटिवा को कैटिवा को रखूँ कि नहीं चलो कैटिवा को रख देते हैं कैटिवा भी नहीं चाहिए ठीक है ओके एंड गुमुस तू करता क्या है वैसे ये अभी सो रहा है सोने के अलावा भी कुछ कर लेता है क्या तू फाइनल गाइस बन के रेडी हो चुका है एक्योर कर लेते हैं एंड इधर मैं लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें बना पाऊँगा एंड जैसे कि देख पा मैं फायर एरोस भी बना पाऊँगा तो मैं सोच रहा हूँ फ्लेम ऑर्गेन मुझे फ्लेम ऑर्गेन वैसे मिले कैसे हाउ डिड आई गॉट दिस फ्लेम ऑर्गेन पता नहीं गैस मुझे फ्लेम ऑर्गेन मिले कैसे बट चलो कोई तो बना दो कोई आकर के इधर बनाओ मैं इसको निकालता हूँ तू कुछ यार पड़ पेड़ को तोड़ उड़ी कोई इतने सारे वुल गईस मेरे को गईस ये क्या है गैस यहाँ पर मेरे को वुल का पूरा वुल का पूरा खानदान मिल चुका है गैस इतना सारा वुल मैंने ये तो बहुत बढ़िया किया यार मैंने सीरियसली बता रहे हैं मतलब ये मैंने बहुत बढ़िया किया अब मैं ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर बना पाऊंगा ठीक है एंड तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो इधर ये लोग देख रहे हो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं यार तुम लोग कोई तो इधर काम करने के लिए तू लग जा चल हम दोनों मिल करके बनाते हैं ठीक है दोनों मिल करके करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट तरीके से हो जाएगा जल्दी से जल्दी से कर गाइज डन एरोस मिल चुके हैं थैंक यू सो मच दोस्त चलो मुझे थोड़े से पाल्स पेयर भी चाहिए मैं पाल्स पेयर भी बना लेता हूँ ठीक है क्योंकि आज मैं ढेर सारे पालों को पकड़ने वाला हूँ फॉर श्योर ये अंडे लेकर के कहाँ पे जा रहा है ब्रो ये अंडे भी स्टोर कर रहा है क्या तो ये बना ले तूने अंडे कहाँ पे स्टोर किया भाई आरमोर इज डैमेज मेरा आरमोर भी डैमेज हो चुका है अच्छा तू अंडे इधर फीड बॉक्स में फ़ीड बॉक्स में ये क्यों रख रहा है यार कोई अंडे खाने वाला इधर है क्या आई डोंट नो तो गाइस मेरा ये आर्मर टूट चुका है तो आर्मर को रिपेयर करने के लिए भी ओके इधर ऐसा प्रेस करना पड़ेगा एंड चलो रिपेयर एंड रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा रिपेयर हो चुका है क्या ओके गाइस ये रिपेयर हो चुका है ठीक है अब हंग्री मेरे को भूख लग रहा है एंड मेरे पास काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये तो चलो गाइस इस चीज़ को खा लेते हैं एक ही बार में शायद से मेरा हेल्पफुल हो जाएगा देखते हैं मेरा मेरा यार मीटर का कैसे देख पाएंगे Guys, इसने मेरे लिए बहुत सारे स्पीयर्स को कलेक्ट किया एंड कैस सुबह भी हो चुका है एंड चलो सुबह हो तो गया है अब एनहेंस पाल्स एनहेंस प्लेयर स्टेट्स मुझे पाल का या पावर बढ़ाना पड़ेगा इसका पा, पावर बढ़ा लेते हैं ठीक है एनहेंस करते हैं पर एनहेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूं तो किसका एनहेंस कर पाएंगे ब्रो किसी का एनहेंस नहीं कर पा रहे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ किसी का भी एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं एंड वेट एम कैज ये जो डे ड्रीम है इसका पैसिव स्किल ही है ड्रैगन किलर डैट मीन ये ड्रैगन टाइप पालों को बहुत बढ़िया तरीके से मार पाएगा यार लेवल सिंक अच्छा जी ठीक है तो यहाँ पे मैं अपने इन लोगों को यार ऑफर और पाल पहले गाइस यहाँ पर एक मिनट मुझे पाल सोल देना पड़ेगा जैसे कि देख पा रहे मेरे पास पाल सोल है ना एक मिनट तो अगर यहाँ पर दबाएंगे तो ओ पाल सोल मेरे पास नहीं है बट मैं अपने आप को एनहेंस कर पाऊंगा क्योंकि ये सोल मेरे पास है तो चलो गाइस यस मैं अपने आप को एनहेंस कर पाऊंगा शायद से ऑफर ओके आई डोंट नो गाइज अब क्या हुआ क्या हुआ गाइज ओके अब शायद से अपग्रेड कर पाऊंगा या क्या कर रहा हूँ मैं अपने आप को भी अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ अभी चलो यार प, एक पाल को ही अपग्रेड कर लेता हूँ इसको अपग्रेड करेंगे ठीक है अब शायद से डेफिनेटली एनहेंस कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास एक सोल तो है ना नहीं कर पा रहा हूँ यार नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा वर्क जाया नहीं करेंगे सीधर से इधर से निकलते हैं ठीक है देखते हैं इधर कौन कौन से न्यू पाल्स मेरे को देखने को मिल सकता है मेरे को एक न्यू पाल उधर देखने को मिल रहा है अच्छा वो फाता गाइज ये क्या है ये क्या है ये तो एक उड़ने वाला पाल है चल गाइस नहीं होगा इसको ना मुझे एक कमाल तरीके से अटैक करना पड़ेगा इसको फायर एरोस के मदद से मुझे मैं फायर एरोस लगा क्यों नहीं पा रहा हूँ अब ये क्या हो गया ओके फायर एरोस को एक्विप करना पड़ेगा राइट right? ओ फायर एरोस के लिए फायर बो भी मेरे को बनाना चाहिए था भाई ये तो गलत ही सीन हो गया यार चलो तो इसको मैं नहीं पकड़ पाऊंगा इस नाइट विंग के बच्चे को वैसे गाइस ये नाइट विंग का बच्चा तो है नहीं ये नाइट विंग था एक बहुत ही कमाल का उड़ने वाला पाल बट आज मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मैं इसको पकड़ पाऊंगा ठीक है ये कौन है मैंने इनसे बात करेंगे बट फिलहाल गाइस मेरे को यहाँ पे और एक स्टैचू दिखाई दे रहा है चलो पिक करते हैं ये कुछ बना भी रही है शायद यानी बात चलो बात करते हैं यू आर ए न्यू फेस डोंट टेल मी यू आर एन आउटसाइडर नॉट देट इट मैटर्स टू मी नाउ डेट यू आर ऑन द आईलैंड वाई नॉट ट्राई एंड कैच सम पल्स यू कैन गेट एक्स्ट्रा एक्सपीस फॉर कैप्चरिंग अप टू टेन ऑफ द सेम काइंड अच्छा अगर मैं सेम काइंड के टेन को पकड़ लूंगा ना ब्रो तो यार मुझे जाना एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे यू नो दे से पाल टेमर्स गेट स्ट्रॉगर द मोर पाल्स दे कैप्चर यार टेक दिस आई हैव गॉट हाई होप्स फॉर यू पाल अभी पानी में जा सकता हूं क्या देखो क्या मुझे डर लग रहा है जाकर के एक बार देखते हैं है। yes, पानी में जा सकता हूँ पानी के अंदर कैसे जाएंगे पानी के अंदर लेकिन जा नहीं पा रहे ओके पानी के अंदर जा नहीं पा रहे हैं ब्रो पानी पानी वाले पाल अभी तक मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहे ठीक है बट डेफिनेटली देखने को मिलेगा मैं अभी इस साइड हूँ तो चलो गाइस इस साइड चलते हैं देखते हैं यहाँ पर मुझे और कौन से कौन से पाल देखने को मिल सकते हैं ओके कैटीवा है एंड व्हाट इज़ दिस पिकअप कैटवेज जर्नल अभी ये क्या चीज़ है ये जर्नल देखने के लिए पाल डेक पाल डेक में ठीक है ये तो फायर टाइप है ये चीज तो मुझे पता है बट ये पाल डेक करके मुझे कुछ चीज मिला उससे मैं क्या कर सकता हूँ आई डोंट नो ऊपर में जाऊं कि कहां पे जाऊं ऊपर में कोई भी नहीं है शायद से पर तो एक बीच है ओह वाह एंड क्या मैं बीच में स्विम कर सकता हूँ एक बार देखते हैं बीच के अंदर आई I मीन mean, पानी के अंदर नहीं जा पाऊंगा ना बट ये किसी एक बहुत ही बड़े पाल का हड्डी लग रहा है मेरे को काफी बड़ा है यार एनी गो वो क्या है एक और अंडा गाइस मुझे और एक अंडा मिला यार मुझे यार डेफिनेटली एक इनक्यूबेटर एक अब भी बनाना ही पड़ेगा यार क्योंकि यहाँ पे एक और अंडा है एंड ये किसी वाटर टाइप पाल का ही अंडा होगा फॉर श्योर गाइस वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे एक गुफा है यार अब मुझे डर लग रहा है गाइस इस गुफा में क्या हो सकता है क्या मुझे आज हीस गाइस ये तो कैसे मैंटाइक की तरह कैसे एक मिनट देखने वाला एक पाल है पाल स्पेयर गैस ये तो डेफिनेटली कैसे के देखने वाला एक पाल है एंड ये मेरे को देखते ही भाग गए यार ये मेरे को देखते ही भाग गए ओके एंड व्हाट इज दिस अगेन ये टीफ एंड है guys, ये मेरे को पानी के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा ठीक है एक मिनट इसके साथ लड़ेंगे ठीक है वन टू थ्री लड़ ले लड़ ले लड़ ले जा रहा है इसके साथ लड़ने के लिए कमान ये हिम नाइस तू आ जा अब चलो गाइज ये फेंकते हैं ये ले ये मेरे को पानी से अटैक कर रहा था तो डेफिनेटली गाइज इज ए वाटर टाइप ठीक है आएगा डेफिनेटली आएगा नहीं है ये ले इस लेटू तो डेफिनेटली आएगा ही रोज मुझे पता है इस बाटू डेफिनेटली आएगा यस आएगा नाइनटी नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट एन गाइज ये कैप्चर्ड हो चुका है तो चलो गाइज देखते हैं आखिर ये ये जो है ये क्या कर सकता है ठीक है ये लो मैंने फेंक दिया एक ऐसे ही तू आ hmm. राइट एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ऐसे कहां पे जा रहा है अच्छा हीलिंग पावर मतलब कैस ये मेरे को हील कर रहा है क्या व्हाट ये मेरे को हील कर सकता है क्या दिस इज ग्रेट तो इसका स्पेसिफिक्स के लिए है कि ये मेरे को हील कर सकता है चलो मेरे पास कुछ अन यूज पॉइंट है तो मुझे शायद से लग रहा है मुझे अपना काम का स्पीड नहीं वेट पे ध्यान देना चाहिए काम का स्पीड तो बढ़ा लेंगे व्हाट इज़ दिस अगेन पाल फ्लूड यूजफुल फॉर हाई वेलोसिटी कुछ ना कुछ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं एनी वेज गलो इसको भी पकड़ ही लेते हैं ठीक है जितना ज़्यादा पाल्स को पकड़ेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है और ये मर गया है अरे तूने इसको मार ही दिया यार यारडोज़ पाल फ्लूड मिला चलो आ जा जा हम और भी पालों को मारेंगे फिर वहाँ पे भी कुछ मुझे कुछ अलग प्रकार का पाल देखने को मिल रहा है चलो उसके साथ तो पंगा करेंगे ही बट यहाँ पर ये वाइट कलर का इसका नाम क्रेमिस है आ जा तू चलो इसके साथ लड़ ले मर गया क्या मर गया है इसको भी मार दिया इसने भी उल दिया क्या इसने भी उल दिया यार अब इसको भी मार ले ब्रो इसको भी मार ही ले यहाँ ओके okay, लड़ेगा 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 मार दिया यार ये मेरा ना ये डिनोसम काफी ज्यादा स्ट्रांग है यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये एक एक हिट में मार रहे हैं यार यार एक एक हिट में पालों को मारना इज़ वेरी बिग थिंग चलो स्टैचू मिल है गाइज अब मैं बैटल करने वाला हूँ इसके साथ ये जो है न्यू है तो चलो फेंकते हैं गाइज गलत ही चीज कटे आप इसको फेंकते हैं अब इन दोनों के बीच बैटल होगा बहुत बढ़िया दोनों के बीच है बैटल हो रहा है ये गाइज मेरे को मार रहे हैं ये लोग मेरे को बचा ले यार भाई चेट छेट छेट चलो पूरी कोशिश इसने बैरियर में फंसा दिया यार गाइस मेरा डिनोसम काफ़ी ओपी है आजा, आजा 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 रुक रुक रुक, रुक इसको पकड़ लेता हूँ एन फिर मेरे साथ बटल करेंगे ये ले ये तो जाने वाला है ब्रो ये तो आ गया ये तो आ गया ब्रो चल लड़ ले लड़ ले लड़ ले लड़ ले लड़ ले नाइस 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 तू आ जा वापस एंड इसको पकड़ते हैं चलो ये ले मैंने दोनों को पकड़ लिया ब्रो आज मैंने बहुत सारे वाटर टाइप को पकड़ लिया ठीक है एंड ये आएगा डेफिनेटली आएगा आ गया आ गया आ गया येस yes, आ गया अब चलो गाइस इसको निकाल लेता हूँ इसको निकालने का मेन रीज़न ये है कि मेरे को यार हीलिंग चाहिए थैंक यू सो मच जैसे कि डिग पर हो इसने मेरे को फुल ऑन हील कर दिया यार यार अगर ऐसे पाल के पास ऐसे ऐसे पावर्स होंगे तो यार क्या ही और बता सकते हैं यार एनी वेस तू भी आ जा दोस्त यार देखते हैं कैसे इसको डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते हैं ना डायरेक्टली कभी भी नहीं पकड़ सकते चल इसके साथ लड़ ले अब दो हाथी वाले पोकेमॉन एक दूसरे के साथ लड़ेंगे इस वेरी नाइस नहीं रहा यार और भी मार इसको बहुत बढ़िया और मार और मार मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ वेरी गुड अब चलो ये आएगा डेफिनेटली आएगा अभी आ गया आ आ आ आ गया आ गया आ गया आ गया कितने को पकड़ा मैंने अट्ठारह को पकड़ा है इनका जैसे कि देखो ये तो कुछ ये तो कुछ गोल्डक की तरह है यार इन लोग के ऊपर फेंक पाऊंगा क्या आ, नहीं वो सब तो ठीक है बट गैस यहाँ पे एक प्रिप्लब जैसा दिखने वाला भी एक पाल है एक मिनट ये देखो ये देखो वो जो नीला कलर का है वो बिल्कुल ही प्रिप्लप की तरह दिखता है ये रहा तो इसके साथ भी एक पंगा करना डेफिनेटली बनता है यार एंड ये जगह भी बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को चलो इसके साथ पंगा ले लेते हैं कमन कमन इसका नाम पेंगलुट है वो नाइस ये मेरे को ही मारेगा फॉर्च गाइस ये मेरे को ही मारेगा इसके साथ पंगा ले ले लें याराइस ये आईसीकल स्पियस फेंक रहे हैं यार ओके गाइस इन लोग का बैटल कितना डेटा तक ही रहेगा यार ये भाई ये भाई तू आ जा वापस एंड तू आ जा मेरे टीम में डेफिनेटली ये मेरे टीम में तो आएगा ही आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, गया आ गया आ गया आ गया नाइनटीन को मैंने पकड़ लिया और मुझे यार इलेवन को पकड़ने हैं ठीक है डेफिनेटली और इलेवन को मैं पकड़ ही लूँगा एक मिनट मुझे ये पेल्डियम ये चाहिए फ्रेगमेंट चल बैदलगढ़ मार मत देना लेकिन मर गया ना यार इतना स्ट्रोंग अटैक से क्यों मारता है यार इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग अटैक करता है इसलिए यार डायरेक्टली मर ही जाते हैं यार डायनोसोम को और नहीं निकाल सकता हूं यार डायनोसोम को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहा है ब्रो लर्नड सैन ब्लास्ट अच्छा गाइस मैंने मेरे फॉक्स पार्क ने एक न्यू अटैक भी सीखा गाइस सैन स्पार्क ये तो बहुत बढ़िया चीज है एंड गाइस मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे इस वक्त हूँ इधर है ओ गाइस मेरे को वहां पे यहाँ पे जैसे कि देख पार यहाँ पे मैं एक लगा पाऊंगा ना यहाँ पर लगा पाएंगे मार्कर लगा पाएंगे राइट मार्कर लगा दे फिर अरे लगा तो दे यार मार्कर लगा नहीं पा रहे जैसे कि देख पा रो ओके किसी एक जगह पर मार्कर लगा देता हूँ ओके यहाँ पर मैंने एक मार्कर लगा दिया अब गैस मैं इस अगर मार्कर वाले जगह में जाऊँगा वहाँ पर मुझे फास्ट ट्रेवल देखने को मिलेगा ठीक है एंड गैस जैसे कि देख पाऊँ गैस और एक अंडा नाइस एंड मुझे जाना पड़ेगा इस तरफ राइट तो यार मेरे मेरे को भूख भी लग रहा है एक मिनट खाने के लिए कुछ चीज़ है क्या खाने के लिए तो यही चीज़ है तो चलो इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ ओके okay, मेरा पेट फुल हो चुका है आप गैस मुझे वहाँ से इधर इधर से उधर जाना पड़ेगा लेट्स गो क्या लगता है पहुँच पाएंगे मुझे नहीं लग रहा है कि पहुँच पाएंगे ना 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 गया गैस गया बट गया, लकीली मेरे पास ये है टू आ जा एंड मेरे को हील कर दे थोड़ा सा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसका पानी मेरे ऊपर पड़ा ही नहीं टू ने मेरे को अच्छी तरीके से हील भी नहीं किया दोस्त कहाँ पे जा रहा है आजा अब मुझे क्लाइम करना पड़ेगा गैस, कोई तो इधर है एक रश ठोड़ करके कुछ तो एक है इधर एक मिनट ये क्या है एक मिनट कोई ये क्या है एक मिनिट, एक मिनट, मिनट, ये क्या? है? ये तो अटल गाइस ये तो एक पिगी है जैसे कि मैं क्लियरली देख पाऊँ ये तो एक पिगी है यार इसके साथ लड़ना तो डेफिनेटली बनता है ब्रो चल तू ही लड़ ले इसके साथ ये स्ट्रॉ yes, होगा ब्रो ये सेंड टाइप होगा मे बी गाइज ये सेंड टाइप ही होगा इसको मैंने एक फटका दिया आप तू भी मार ले ब्रो। मार क्यों नहीं रहे डेड्रीम डेड्रीम को क्या हो गया पता नहीं बट चलो इसको फेंकते ये तो डेफिनेटली इसके साथ लड़े गए। मैं ही दे रहा हूँ गाइज ये लोग लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि गाइज

मजा तो यही चीज का है कि मैंने उसको पकड़ लिया एंड कैसे पकड़ा गाइस बहुत ही आसानी से मैंने पकड़ा उसको वो एक पत्थर में फंसा हुआ था यार अगर वो पत्थर में फंसा नहीं होता तब मैं उसको पकड़ नहीं पाता यार एंड मुझे जाना किस तरफ है अभी एंड मैं पहुंच गया फास्ट ट्रेवल की जगह में पहुंच गया यहाँ पे तो एक विलेज है स्मॉल सेटलमेंट ये तो एक विलेज है चलो फास्ट ट्रेवल करते हैं एंड बेस में चलते हैं लेट्स गो अब वो सब तो ठीक है गाइज अब देखते हैं यहां पर मिशन क्या कुछ थे बिल्ड स्टोन पीट मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ ना ब्रो ये स्टोन पीट मैं खोल ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि डो चाहिए अच्छा खोल पाएंगे क्या अच्छा खोल लिया मैंने वो, इसको भी मैंने खोल लिया मेरे पास पॉइंट कहाँ पे पॉइंट भी अच्छा गाइज टेक्नोलॉजी पॉइंट फोर है अच्छा ऐसा क्या तो क्रशर भी मुझे बनाना पड़ेगा तो ये क्रशर भी मैं बना ही लेता हूँ और मेरे पास पॉइंट दो है ठीक है तो इसके ओ गाइज मैं एक सैडल बना पाऊंगा हाँ गैस मुझे सैडल चाहिए नहीं नहीं फॉक्स पर का कौन नहीं इसका सैडल बनाते हैं क्योंकि ये काफी एग्रेसिव है तो रश शोर का सैडल मैं डेफिनेटली बनाना चाहूंगा अब मेरे पास पॉइंट है नहीं तो ये बैट ओके पॉइजन एरोज भी मैं बना पाऊंगा एंड वट इज दिस फॉर जेंटल होल्डिंग ऑन स्क्रफिन इट्स ओके इट कैन बी यूज एज ग्लाइडर अच्छा गाइज मैं इसको एज ए ग्लाइडर यूज कर पाऊंगा एनी वर्स गाइज जो जो चीज मुझे दिए गए हैं वो फटाक से वो चीज़ें कर लेता हूँ ठीक है आज भी यार और डस्ट पाल को तो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा आपको बट एक मिनट रस इसको तो लिया ही नहीं है मैंने यार इसको मैंने लिया ही नहीं जिसको तू आ जा बाहर तो जा करके कुछ काम कर ले एंड मैं इसको लेना चाहूँगा अपने टीम में आ, किसको हटाऊँगा गाइस इसको हटा दूँ क्या इसको हटा देते हैं ठीक है इसको रखते हैं एंड इसको रखूँ कि नहीं गाइस ये भी एक वाटर टाइप है एंड ये भी एक वाटर टाइप है बट ये मेरे को हील कर सकता है बट ये मेरे को हील नहीं कर सकता है ब्रो ये ग्लाइडर एज ए ग्लाइडर ये काम आएगा बट मेरे पास तो ऑलरेडी पैरासूट है तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं रख ही देता हूँ ठीक है पाल्टीमि हंगरी मतलब गाइस एक मिनट अच्छा इसको भूख लग रहा है क्या तेरे को भूख लग रही है क्या ओ ओ भाई तू टेंशन मत लें यार तेरे को भूख लग रहा है क्या दोस्त मैं तेरे को डेफिनेटली खिलाऊँगा तो क्या खाने अच्छा एक मिनट के रुक रुख मैं तेरे लिए डेफिनेटली खाना बनाऊंगा ठीक है डिन्नर सोम ये ले थिंक डेनोसम का

कमाल का माइनर है ये मेरे लिए स्टोन माइन कर सकता है जैसे कि देख रहे हो अभी तक इसने बी स्टोन को माइन कर लिया है एंड और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये है अपना ट्री का एरिया एंड यहाँ पे कौन सबसे बढ़िया काम करता है पता है यहाँ पे सबसे जो बढ़िया काम करता है वो है गाइज अपना डिनोसम जो मैग्नेम जैसे मैग्नीय जैसे देखने वाला वो ट्री तोड़ने वाला पालमोन है वो ठीक है अब सारा कुछ तो बना लिया अब चलो फटाक से अपग्रेड कर लेते हैं टू अंडे को कहाँ पर लेकर के जाने ये वुलूज ना वुलू नहीं लेम बॉल लेम बॉल बार बार वो वलू ही बोलता हूँ ये यार चीज़ों को कलेक्ट तो करता है मतलब खाने की चीज़ों को कलेक्ट भी करता है एंड खुद से खा भी जाते हैं यार एन वे चलो अपग्रेड कर लेते हैं लेवल सेवन का हो चुका है तो गैस ये वाला मिशन मेरा कंप्लीट हो चुका है लेमबॉल प्रोड्यूस ट्वेल्व एरोस एक मिनट गैस बारह एरोस अच्छा बारह एरोस हां मैंने ही बनाने के लिए दिए थे ठीक है अब गैस एक मिनट अब मैं यहां पर एक और पालमोन को एक मिनट यहां पे मुझे यार क्या गया बिल प्रिमिटिव फर्नेस ये सब करना पड़ेगा बिल बेरी प्लांटेशन कर लेंगे ब्रो डो करना पड़ेगा ठीक है बिल्ड हॉट स्प्रिंग ठीक है वो चीज़ें मैं कर लूंगा बट पहला जो चीज़ मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे एक पाल मोन को सामोन करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे पास दो ये है तो इसको अगर लगा दूंगा तो ये अभी पानी डालने का काम करेगा देखिएगा ठीक है ये जा रहा है ना वाटरिंग करने के लिए जा रहा है ये अभी बैरी के वहाँ पर पानी दे डालेगा ठीक है तो गैस मुझे और एक बैरी का ये बनाना है तो चलो फटाक से बना लेते हैं एक मिनट एक मिनट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर तो वह नहीं ब्रो बैरी का कौन सा था एक मिनट बैरी बैरी ओके बैरी प्लांटेशन इसके लिए वुड और स्टोन चाहिए वो फटाक से चलो वही कर लेते हैं टू पानी देता रहे ठीक है टू पानी देता रहे एंड ग इस वाले एरिया में मतलब इस वाले एरिया में मैं खाली नॉर्मल फार्मिंग ही करूँगा एक बहुत बढ़िया एरिया बनाऊँगा एक बहुत ही कमाल का एरिया बनाऊँगा जहाँ पर का इसमें एक बहुत बड़ा फार्मिंग एरिया बनाऊँगा ठीक है तो अब अपने इस दोस्त को लेकर के आते हैं अब मुझे थोड़े बहुत बेरीज चाहिए तो डेफिनेटली बेरीज के लिए यही मेरे को हेल्प करेगा रुक जा रुक जा तू मत जा यार ये ट्रीज कलेक्ट करने के लिए जा रहा था इसको इधर सीड डालना है ठीक है ओके बनले बनले बनने बनले थैंक यू सो मच लैम बॉल्स ये बनाने के लिए अब तू तो इधर प्लीज ओके जैसे कि देख पा रहा हूँ ये अभी यहाँ पर डाल रहा है क्या सीड्स डालने ताकि इधर से बेरीज ग्रो हो सके ठीक है एंड ये सीड्स डालने के बाद जैसे कि देख पाओ ये अभी सीड का प्रोसेस चल रहा है उसके बाद अपना ये गोमोस भी आ रहा है गोमोस भी कुछ करेगा क्या आई थिंक गोमोस भी हार्वेस्टिंग कर सकता है ओ गाइस ये दोनों ही कर रहे हैं गैस दोनों ही मिल करके ओ ऑब्वियसली गाइस ये भी तो आखिर एक ग्रास टाइप ही है है ना तो गाइस अब इन दोनों ने तो प्लांटेशन कर दिया अब यहाँ पे वाटर डालना पड़ेगा एंड टी स्प्रिंग वाटर डालने में माहिर है चलो मैं भी इसको हेल्प कर देता हूँ ठीक है मैं भी इसको हेल्प कर ही देता हूँ दोनों मिल करके करेंगे तो थोड़ा बहुत जल्दी से काम होगा एनी वाइस गाइस इसको करने देता हूँ अब मैं एक अनर्डेड चीज़ करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी पर मेरे पास पॉइंट्स है क्या नो पॉइंट्स गाइज नो पॉइंट्स ठीक है मुझे नेक्स्ट एक इनक्यूबेटर खोलना ही पड़ेगा क्योंकि एक इनक्यूबेटर खोलने के बाद ही इन सारे के सारे में अंडो को हैच करा पाऊंगा ठीक है एंड ओके अब मुझे फाइटिंग करने के लिए जाना है एंड सैडल भी बनाना है ओके okay, तो इसके सेडल के लिए गाइज इसके इसका सैडल में तो मैं आराम से बना पाऊंगा स्टोन चाहिए पेलडियम फ्रेगमेंट चाहिए गाइस जैसे तैसे करके मैं अपने बैंड्स तक आ रहा हूँ क्योंकि मेरा इन्वेंट्री एकदम फुल हो चुका है नेक्स्ट जो चीज मैं अपग्रेड करूंगा वो डेफिनेटली होने वाला है गैस अपना वेट ठीक है एंड गैस चलो यहाँ से मैं बनाऊंगा अभी एक मिनट गैस मुझे कहाँ पे क्या बनाना था अरे गैस मुझे यहाँ पर थोड़ी बनाना था गैस मुझे उधर बनाना था लेट्स गो लेट्स गो काफी स्लो तरीके से जा रहा हूँ यार और खुद से तो बहुत वर्क लग जाए तुम लोग ही आ जाओ यार बनाओ 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 और भी आ जाओ और भी आ जाओ वुलूस आ जाओ आ जाओ ये क्या है हैज बहुत देर के बाद मैंने ये सेडल बना ही लिया अब गाइज चलो इसको निकालते हैं आ जा दोस्त अब तू आने वाला है एंड गाइज इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ ये सेडल ओ ये सेडल तो मैंने बना ही लिया अब डायरेक्टली एफ दबाते ही इसके ऊपर राइट ले पाएंगे ब्रो काम नहीं करना है दोस्त रुक जा रुक जा रुक जा अच्छा होल करना पड़ेगा होल करते ही ये शायद से मेरे को उठा लेगा एक मिनट आ जा आ जा मेरे को उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले ओह यस गाइस नाइस नाइस वेरी नाइस

वो सब तो ठीक है लेकिन ये क्या चीज़ है एक मिनट एक मिनट गाइस मैं पानी में गिर गया अब एक सेकेंड गाइस पानी में गिर तो गया हूँ पहले यार तू चला जा ब्रो। ठीक है तू चला जा मैं ऊपर कैसे चढ़ लूंगा मैन गाइस मुझे बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा एंड ये मुमकिन लग रहा है मेरे लिए देखते हैं देखते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते क्या मैं यहाँ तक आ पाऊंगा गैस ये तो गलत ही सीन हो गया अब मैं ऊपर जाऊंगा कैसे गैस मैं तो मर गया यार अब क्या होगा यार मैंने सारा कुछ आइटम ड्रॉप कर दिया 10 मिनट मुझे अपने चीजें चीजें देखने को मिल गया एंड ये चीज़े तो ऊपर में ही है ये तो बहुत बढ़िया है फिर यार मुझे लगा था मुझे अपने चीजें नहीं मिलेंगे अपना सारा कुछ चीज मिल चुका है ओके okay. गैस मुझे इधर जाना था ना तो इधर ही जानेंगे क्योंकि इधर एक चेस बॉक्स है मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ इधर एक चेस बॉक्स है तो एक मिनट उतर उतर उड़ उतर ले चलो खोलते हैं एंड मुझे ब्रेड का टुकड़ा मिल चुका है मुझे क्योंकि भूख लग रहा था यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मुझे इसको खा लेना पड़ेगा एंड दिनों से उनको भी भूख लग रहा है एंड अपने डे ड्रीम को भी भूख लग रहा है ओके दोस्त अब हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे अच्छा ऊपर जाने के लिए इधर जगह है ठीक है बट ये कौन सा है अभी इसका नाम डिप्रेसो है ये लोग मेरे को अटैक गईस ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं गाइस मुझे अपने डीनोसम को निकालना पड़ेगा इन लोग को हराने के लिए कमान इन दोनों को हराओ मैं इन दोनों को ही पकड़ लूंगा ठीक है पता नहीं गैस ये लोग क्या करेंगे अरे मुझे पकड़ना है चल मार मत देना ठीक है मर गया क्या नहीं मरा है चलो फेंकते हैं इसको पकड़ लेते हैं बहुत बढ़िया आई थिंक आई कैन कैच सिम 85 फाइव एट और गैस नहीं ये ले फिर से फेंक रहा हूँ गैस ये डिप्रेसों के साथ ही अभी तक लड़ रहा है ओके ओके जल्दी से आ जा मेरे टीम में जल्दी से आ जा नाइन्टी नाइन ये आ चुका है येस गैस अन्टर पाल एडेट इन माई टीम ये लोग पॉइजन टाइप अटैक कर रहे हैं क्या मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग पॉइजन टाइप ही अटैक कर रहे हैं एंड गैस मेरा डिनोसम बहुत ज़्यादा खतरनाक बनते ही जा रहा है बनते ही जा रहा है ठीक है चलो गैस मैं फास्ट ट्रेवल करके घर जाता हूँ क्योंकि रात हो चुका है मुझे रात के समय में काम करना एकदम ही पसंद है नहीं ठीक है एंड एक गैस मेरा स्किल है मैं स्किल को अनलॉक कर सकता हूँ तो डैट मीन्स गैस मैं इसको अनलॉक करूँगा ओके तो और बढ़ा पाएंगे क्या नहीं तो मैंने अपने इन्वेंट्री को अपग्रेड करा एंड गैस टेक्नोलॉजी खुल चुका है इसका मतलब गैस अभी मैं इसको खोल पाऊँगा राइट क्यों नहीं खोल पाएंगे ओ एनशियन टेक्नोलॉजी पॉइंट मेरे पास है नहीं ना एनशियन टेक्नोलॉजी पॉइंट अगर होगा नहीं तो कैसे खोल पाएंगे है ना यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें खोल पाऊंगा जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ये हो गया ये तो कैसे एक कपड़ा है न्यू टाइप ऑफ कपड़ा ट्रॉपिकल आउटफिट क्लोथ आउटफिट इन हॉट क्लाइमेट अच्छा ये हॉट क्लाइमेट में काम आता है एंड कैसे ये है टूड्रा आउटफिट क्लोथ आउटफिट प्रोड्यूस इन कोल्ड क्लाइमेट परफेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर अच्छा ये दोनों भी खोलना पड़ेगा बट मुझे पहले लग रहा है ये हॉट स्प्रिंग खोल लेना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लियरली पढ़ पा रहे हो पाल रिकवर्स एस ए एन वाइल इन ए हॉट स्प्रिंग एस सैन मतलब आई थिंक हेल्थी होगा ना एंड ये खोल लेते हैं ठीक है ये सैंड बैग है एंड इससे क्या होगा पाल एसाइन टू इट विल वॉच फॉर अप्रोचिंग एनिमीज यहाँ पर कुछ पाल्स रहेंगे जैसे ही एनिमीज अटैक करने के लिए आएंगे वो लोग यार मुझे यार अलार्म दे देंगे ठीक है कि एनिमीज आ रहे हैं मुझे अटैक करने हैं एंड गैस पॉइजन बो पॉइजन बो नहीं गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट बो मुझे खोल लेना पड़ेगा फायर फायर बो मैंने खोल लिया है येस फायर बो मैंने खोल लिया है ये खोलेंगे चलो ये मैंने कर लिया अब गाइस मेरे पास फॉक्स पर्क है ना फॉक्स पर्क के मदद से गाइस मैं लोग के साथ अभी बैटल कर पाऊंगा एंड ये बहुत बढ़िया होगा चलो ये देख लेंगे एंड आज का एपिसोड एंड करेंगे ठीक है मैंने इसको पकड़ा था ना गाइस इसका नाम है गाइस पेंगुलेट ठीक है एंड ये मेरे लिए क्या क्या काम कर सकता है ये मेरे लिए हैंडी वर्क काम कर सकता है डेट मीन्स गाइज ये क्रशर में मतलब फर्नेज जलाने के लिए स्टोन्स को क्रश करके पैलेडियम फ्रेगमेंट बनाने में ये काम आएगा ट्रांसपोर्टिंग में भी ये काम आएगा कूलिंग मतलब चीज़ों को कूल करने के लिए भी ये काम आएगा एंड वाटरिंग पानी मतलब पानी देने के लिए भी ये काम आएगा एंड गैस इसको नहीं इसको पकड़ा नहीं था इसको पकड़ा था ये है डिप्रेसो इट हैज फ्यू फ्रेंड्स ये बहुत डिप्रेशन में रहता है कैस जैसे कि इसका चेहरा देख करके ही मेरे को लग रहा है यार ये बहुत सैड सैड रहता है इट हैज़ फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द पार्पचुअली ग्रोथ लुक ऑन इट्स फेस बट इट इज इन फैक्ट काइंड हंड्रेड ये गैस दिखने में काफी डिप्रेशन भरा लगता है बट गैस इसका डिल बहुत बढ़िया है ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम हैव सीन इट फीडिंग विक्स हु हैव स्ट्रेट फ्रॉम देअर पैक अच्छा गाइज़ ये ना कभी कभार इसको भी खिला करके देते हैं इसको खिलाते हैं ठीक है ये इतना अच्छा है एंड ये मेरे लिए ये भी है मेरे लिए हैंडीवर्क एंड माइनिंग कर सकता है ओके नाइस तो एक मिनट गाइज मैं पाल डेक में किसी को रख सकता हूँ क्या देखते हैं एक मिनट एक मिनट पाल इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे प्रिमेटिव फर्नेस वगैरह मुझे बनाना पड़ेगा ये मैं फटाख से यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर गोमोस काम का नहीं लग रहा है मेरे को ये 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 कौन है ये, ये इधर क्यों आ गया नहीं मैंने क्या कर रहा एक मिनट मेरे को समझ में नहीं है इसको किसने रख दिया इधर एंड वैसे ये कर क्या सकता है ये मेरे लिए कर क्या सकता है आई नो बट मुझे यहां पर रखना पड़ेगा इसको कहां पे चला गया पेंगुलेट को रखना पड़ेगा ये मेरे लिए अभी ये क्रशिंग काम उ तेरे को क्रशिंग काम करना था दोस्त ये क्या करने के लिए ये बैरी कलेक्ट करने के लिए जा रहा है ब्रो तेरे को बैरी कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना था इसको कलेक्ट करना था ये यहां पर काम करना था तेरे को दोस्त असाइन कर सकता हूं क्या किसी को मैं चलो मैं इस इन लोगों को ये बनाने के लिए देता हूँ आ आ आ कौन आएगा देखते हैं गाइस एंड मैंने क्या बोला था लास्ट में मैं हार्नेस बनाऊंगा जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है फ्लेम ऑर्गेन ओके okay, एंड पेलडियम फ्रेगमेंट तो फ्लेम ऑर्गेन के लिए मुझे बहुत सारे फॉक्सपर्क को मारना पड़ेगा अच्छा तो ये भी करना पड़ेगा क्या इयर्स लेटर स्पर्क तो नहीं बट ये वाला पाल मुझे फिर से देखने को मिल चुका है इसको मैं लास्ट टाइम पकड़ नहीं पाया था दिस टाइम आई कैन आ जा तेरी एस्सी के क्या हो गया मैं इसको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ बेटे तू तो बचेगा नहीं लास्ट टाइम तू बच गया था लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा मैं तेरे को डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ एंड ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है डेफिनेटली इसको मैं पकड़ने वाला हूँ आ जा तेरी ऐसी के रुक होगा ये क्या खतरनाक एमेज रु है इसके साथ लड़ने के लिए इसको ही भेजना पड़ेगा डीनोसम कमान माँ नाइस अब चलो ये फेंकते हैं ओके ये गाइस क्या ये आएगा अगर नहीं आएगा तो फिर से मुझे डिनोसम को भेजना पड़ेगा ये ले आजा जा डिनोसम मेरे को बचा ले मेरे को बचा ले नाइस तू आजा वापस एंड इसको पकड़ शिट ओके गाइस डिनोसम ने इसको कैप्चर कर दिया था बैरियर में वो नहीं पकड़ गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि इसको मैं पकड़ पाऊंगा बट फिर भी मैं ट्राई अरे तू क्यों आता नहीं यार मार दिया